वो तो सुनते हैं कि 24 में चुनाव होगा, और इतने दिन पहले की भविष्यवाणी है हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग की क्षमता इतने पहले भविष्यवाणी करने के लिए। जब कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी देश में, तो लालू जी के यदि MP नहीं सहयोग किए होते 2004 में, तो कांग्रेस की वापसी नहीं हुई होती। सरकार बनाने वाले लोग अपनी सीटों पर है, जनता के सिवा कोई भी अस्थाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम भगचरण दास। बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने आज एक बड़ा बयान दिया और साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बिहार के 40 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर जब आज हमने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात की तो उन्होंने भगचरण दास के बयान पर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। कब चुनाव है? अब जब चुनाव होगा लोकसभा चुनाव का। अरे कब? मिड टर्म होने जा रहा है क्या? नहीं भाई, जानना चाहते हैं कब चुनाव है। हमको तो सुनते हैं कि 24 में चुनाव होगा, और इतने दिन पहले की भविष्यवाणी है हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग की क्षमता इतने पहले भविष्यवाणी करने के लिए। और रहा निर्णय करने का, तो हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हम लोग महागठबंधन हैं, वो एक दल नहीं है, तो जो भी समय पर निर्णय उनके हो गए हम लोग स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस महागठबंधन में नहीं। हम लोग महागठबंधन में हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब आपकी इच्छा है, अपने बुद्धि के अनुसार निकालिए। हमने महागठबंधन बनाया है तो आप किसी महागठबंधन को तोड़ते नहीं, हम महागठबंधन में हैं। उनके साफ तौर पर कहना है कि राजद गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है जी। राजद गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, भगचरण दास कर रहे हैं। अब ये सोच अन्यों की हो सकती है, हम लोगों ने तो महागठबंधन धर्म का पालन इस हद तक किया कि सरकार गंवा दिया लेकिन महागठबंधन को बचाए रखा। इशारा बिहार जानता है, इसे लालू जी ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, हर वक्त अपने पदों को छोड़ करके दूसरों को प्रधान से प्रधान पद दिए हैं। और लोगों को भूलना नहीं चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी देश में, तो लालू जी के यदि MP नहीं सहयोग किए होते 2004 में, तो कांग्रेस की वापसी नहीं हुई होती। श्री नीतीश ने कांग्रेस को समाप्त करने में अटल बिहारी वाजपेयी का साथ दिया था, और आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 2004 में कांग्रेस को पुनर्वापसी की ताकत दी थी। इसलिए हम लोग तो महागठबंधन को सहयोग हमेशा करते हैं। आप महागठबंधन में है लेकिन कांग्रेस से ही तक। अब उनकी इच्छा उनके ऊपर है ना, हमारी इच्छा है कि महागठबंधन है रहे, दंगाइयों से, सांप्रदायिक ताकतों से, इस देश को तोड़ने वालों से, कमजोर और गरीब को सताने वाले लोगों के खिलाफ जो हम लोग की मुहिम है उसमें हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेके चलते। आपकी इच्छा का क्या होगा जब वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन? इतने पहले कोई बात भविष्यवाणी की जा सकती है? वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे, तो वही ना सफाई देंगे। हम तो सफाई नहीं दे सकते, हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन है उसमें कांग्रेस है, ये वो बता सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस भी लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो जिस समय आपने 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय 70 सीट दिए थे, क्या आगे 70 सीट कांग्रेस? वो कल की बात है, लेकिन हम महागठबंधन के लिए अपनी 5 सीटिंग सीट लेफ्ट को हम लोग ने दिया था। जब प्रेम चलते हैं तो जो उसकी उपलब्धि हो सबकी है, और उस उपलब्धि को पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग तो किसी के सीटिंग सीट पर नहीं प्रयास कर रहे हैं, हमने तो अपनी सीटिंग सीट दी काराकाट, अरवल, आरा, ऐसी सीटों को हमने दिया, इसलिए कि हमें मित्रता चाहिए। और मित्रता का मतलब ही होता है
कि मित्र की भी समस्या भी देखे। पारंपरिक सीट थी उसे 16 स्थान, पारंपरिक सीट यदि हिसाब किताब किया जाए तो बहुत गलत निर्णय हो जाएगा, बहुत गलत निर्णय। इसलिए पारंपरिक सीट शब्द नाम की कोई चीज नहीं है। पारंपरिक सीट 90 से पहले बहुत लोगों की थी और 90 के बाद पारंपरिक सीट हमारी भी बहुत बन गई ना। हम आज तो 154 पर हैं ना, को कभी सरकार बनाने वाले लोग अपनी सीटों पर है। जनता के सिवा कोई भी अस्थाई नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि राजद इतनी जल्दी किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं करती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अभी इसको लेकर काफ़ी समय है। वही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए साफ तौर पे कह दिया कि महागठबंधन धर्म का पालन जो है वो कांग्रेस ने नहीं किया है, राजद ने हमेशा से ही गठबंधन धर्म का पालन किया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी राजद ने सहयोगी के तौर पर उन्हें सरकार बनाने में मदद की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से भक्त चरण दास के बयान पर जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है, तो ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।